हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं हॉनर के 9X प्रो के अनबॉक्सिंग के बारे में। चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो। अब बात करते हैं इसके अनबॉक्सिंग में। आप देख सकते हैं इसका ब्रांडिंग, इसकी बॉडी बहुत ही अच्छी दी गई है। इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। हॉनर 9X प्रो में किरिन का 810 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, जो रेडमी के K20 के प्रोसेसर से ज़्यादा अच्छा है। अब इसके अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है, इसकी मेगापिक्सल है 32 मेगापिक्सल। इसमें ब्रैक में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। और फ़ोन आप देख सकते हैं बहुत ही ग्लॉसी बनाया गया है। आपको बैक साइड में एक्स कलर का ग्रेडियंट लुक और फिनिश आता है और बहुत ही शाइनी आता है। ये फ़ोन दो कलर वेरियंट में आता है, एक पहले ये रेड और ब्लू के कॉम्बो में जिसका नाम है चाम सी ब्लू, और दूसरा कलर आता है मैजिक नाइट ब्लैक, जो देख सकते हो ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बो में आता है, जो बहुत ही दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी लुक बहुत ही प्रीमियम आती है। इसके अंदर ट्रिपल कैमरा का सेटअप आता है। पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जिसका एपेचर है f1.8 का, जो सोनी IMX586 का कैमरा है। सेकेंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, और थर्ड है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड में मिल जाता है पावर बटन के अंदर। इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा, तो इसमें आप वाटर ड्रॉप नॉच नहीं मिलेगा आपको, जो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं फोन की बॉडी इतनी अच्छी और प्रीमियम आ रहा है आपका हॉनर की ब्रांडिंग। और पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है, जो 32 मेगापिक्सल का है, जिसकी क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको एक अच्छा और प्रीमियम लुक आता है। अब देखते हैं इसकी प्राइस क्या होती है जब इंडिया में ये लॉन्च होता है। चाइना में तो ये लॉन्च हो चुका है। अब देखते हैं इसकी जब इंडिया में लॉन्च होएगा तो क्या प्राइस पे ये लॉन्च होता है। शायद से ना 18-19 के आसपास होगा, कि चाइना में ये 1800 युआन में लॉन्च हो चुका है। जिसका प्रोसेसर है किरिन का, जो बहुत ही अच्छा और फास्टेस्ट प्रोसेसर है। अब बात करते हैं इसमें गेमिंग रिव्यू के बारे में। आप इस फ़ोन में आराम से फोर्टनाइट, पबजी और बाकी हाई परफॉर्मेंस गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। इसमें आपको कोई लैग नहीं मिलेगा, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी, और गेमिंग में आपको फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके अंदर किरिन का 810 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अब बात करते हैं इसके अंदर डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर FHD+ का डिस्प्ले दिया गया है, और जिसकी साइज है 6.59 इंच की, और जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340। और ये फ़ोन पावर्ड है EMUI 9.1.1 से, और जो एंड्रॉयड पाई के सपोर्ट के साथ है। इसमें USB Type-C पोर्ट दिया गया है, और इसका वेट है फ़ोन का 206 ग्राम। और फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी है 4000 mAh की, और 20 वॉट का फास्ट चार्जर के साथ वो आ जाता है आपको इनसाइड द बॉक्स, जो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 730 से कितना बेटर प्रोसेसर है। आप देखते हैं इसका कैमरा भी बहुत अच्छा, इसके लुक बहुत ही फिनिश और स्टडी लुक आता है आपको कैमरे में। और इसके 22 वॉट के फास्ट चार्ज जो आपको इनसाइड द बॉक्स मिल जाए, जो 30 मिनट के अंदर आपके फ़ोन को 50% से ज़्यादा चार्ज कर देगा। ये फ़ोन चाइना में 23 जुलाई को लॉन्च हो चुका है। इसमें आप सभी तरह के गेमिंग खेल सकते हैं हाई परफॉर्मेंस, इसमें कोई लैग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये फ़ोन 8GB RAM के साथ आएगा, और 64GB स्टोरेज या 128GB के स्टोरेज के साथ आएगा। और इसमें बैक में आपको ग्लास बैक मिलता है, जिसकी फिनिश है बहुत ही ज़्यादा ग्रेडियंट फिनिश दिया। और आपको पावर बटन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर सपोर्ट। एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन कमेंट मी बिलो।